सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। गोरखपुर में नवरात्रि के नवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन के बाद नाथ संप्रदाय विशेष परिधान में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखे। बता दें कि नाथ संप्रदाय के दंड अधिकारी के रूप में विशेष न्यायाधीश का परिधान पहनकर दीप से गुरु गोरखनाथ की पूजा आराधना की। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही शीतला माता भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद महादेव शिव का जलाभिषेक किया और मां दुर्गा का पूजन करते नाथ संप्रदाय के पूर्व में हुए सभी महंत गुरुओं का दर्शन पूजन किया। साथ ही नंदी महाराज और गदाधारी भीमसेन को पुष्पमाला अर्पित की। इसके बाद शस्त्र पूजन और गुरु शिष्य परम्परा के अनुसार तिलक लगाने का कार्यक्रम भी किया गया। गोरखपीठ के पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चार दिवसीय दौरे पे थे और आज नवरात्रि में के नौवें दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। नौ कन्याओं का पैर पूजन करते हैं, पैरों को थाली में धोते हैं, उसके बाद उन्हें चुनरी ओढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं और उनको वस्त्र और द्रव्य यानी पैसे देते हैं। इसके बाद से शस्त्र पूजा का कार्यक्रम होता है और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ प्रसाद के ये सी मंदिर हैं, की पूजा करते हैं। ऐसे में वो विशेष परिधान में जो नाथ संप्रदाय का विशेष परिधान होता है उसमें बैठते हैं और न्यायाधीश के रूप में वो बैठते हैं। मानसरोवर मंदिर से शिव की पूजा आराधना करने के बाद श्री राम की पूजा आराधना करेंगे, उसके बाद वापस मंदिर में रथ सवार होकर के आ जाते हैं। हिमांशु श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, गोरखपुर। प्रयागराज में कोरोना काल के दो साल बाद इस बार संगम नगरी में दुर्गा पूजा महोत्सव के मद्देनजर प्रसिद्ध मंदिरों तीर्थों के मॉडल वाले पूजा पंडाल में आने वाले भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कटघर में अब की प्रतिमा और पंडाल दोनों की बनावट लोगों को लुभा रही है। वहीं कटघर बारबारी की ओर से इस बार केदारनाथ मंदिर की अनुकृति वाले पंडाल में माँ विराजी है। वहीं कोलकाता के कारीगरों में इस पंडाल को तैयार किया है। अलीगढ़ में आज विशेष समुदाय वर्ग की कमेटी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसके साथ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर ने बताया कि मुसलमानों को यह महसूस हो रहा है कि सरकार की नीति और काम करने का तरीका उनके हितों और नागरिक अधिकारों के संबंध में सकारात्मक नहीं है। इसकी वजह से विशेष समुदाय के विरोधी सामाजिक तत्व कानून के डर से आजाद है। मुसलमानों को अपमानित करने में किसी को कोई झिझक नहीं है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक बातें करना एक सम्मान सी बात हो गई है। तो मदरसों में जो ऐसे भूखे नंगे बच्चों को खाना खिलाते हैं या कपड़ा देते हैं या दवा पिलाते हैं या रहने सहने का इंतजाम करते हैं, तालीम के लिए किताबें देते हैं, उनके इंतजाम करने वाले और चंदा देने वाले लोगों तक पर बात पहुँचाई जा रही है और सरकार की नीयत एक गुंडागर्दी की, बदमाशी की है और बाकायदा जंगल राज कायम कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन से कोई वास्ता नहीं है इन लोगों का, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं मानते, ये बिल्कुल धोखेबाजी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि चूंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ा, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी करें और सारे तबकों को, खासकर इस मुसलमानों को यूपी में और मुल्क में टारगेट किया जा रहा है और लेकिन आदिवासियों के साथ भी यही जुल्म है। अलीगढ़ में गणेश चतुर्थी पर गणेश मूर्ति अपने घर में स्थापित करने वाली रूबी आसिफ खान ने नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा भी अपने घर पर स्थापित की थी। रूबी ने पूरे नवरात्र व्रत रखकर आज रामनवमी पर उन्होंने छोटी कन्याओं को कन्या खिलाकर उनको फल भी वितरित किए। इसके साथ ही रूबी के पति ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर उपलक्ष्य में हम सब ने माँ भगवती की स्थापना की थी और अब कन्या पूजन कर भोजन भी कराया है। माँ भगवती की हमने मूर्ति की स्थापना की थी और नौ दुर्गों में हमने आज नौ मतलब कन्याएं खिलाई हैं, जिसमें के छह कन्या थीं और तीन लांगुर थे और पूजा वूजा की थी और उनको जो भी बच्चों को सामान है उनके खाने पीने का वो दिया था। शारदा नवरात्रि का पावन पर्व के उपलक्ष्य में
माँ भगवती की स्थापना की थी हमने अपने घर पर। आज नौमी है, इसलिए आज कन्या पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें कन्याओं को भोजन भी कराया गया है। 6 कन्या पूजी गई हैं, 3 लांगूर उन्हें दक्षिणा भी की गई है, उनको भोजन भी कराया गया है। रायबरेली में जागते रहो कहने वाली पुलिस सो रही है। आपको बता दें कि किला बाजार चौकी के पास विशेष समुदाय के धर्मगुरु के नाम पर चल रहे धर्मार्थ अस्पताल का है, जहां बेखौफ चोरों ने बीती रात दरवाजे का ताला तोड़कर नकदी और कुछ दवाओं पर हाथ साफ कर दिया। बेखौफ अज्ञात चोरों ने पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खोल दी। वहीं अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर अज्ञातों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। असल में हमारे धर्म गुरु अली मियाँ साहब के नाम से हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट का है, और यहाँ पर गरीबों को जो है मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं, उनको दवाएं जो है वो वितरित की जाती हैं, उनका इलाज किया जाता है। और हुआ ये कि बीती रात यहाँ तकरीब कल जो है कुछ अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ा है, मेन गेट का ताला तोड़ कर अंदर दरवाजे का ताला तोड़ा, अंदर आकर के अलमारी का लॉकर भी तोड़ा। तो यहाँ पर जो है कुछ 10 रुपए के पर्चे बनते होते हैं, उनके कुछ पैसे पड़े होते हैं यहाँ पर। लगभग कितना पैसा? तकरीबन रायबरेली में देवऊ गांव में दबंगों ने युवक के परिवार पर हमला बोल दिया। वहीं परिवार के साथ उसके बच्चे को भी गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि दबंग अपराधी किस्म का व्यक्ति है। आपको बता दें कि दबंग युवक के घर को कब्जाना चाहता है। युवक के विरोध पर दबंग ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद दबंग ने उसके परिवार के साथ मारपीट की और लहूलुहान कर दिया। मामला दरवाजे का है, अपने दरवाजे शौचालय बनवाया उसी के तोड़ने गए, अब बगल में थोड़ी जगह है, दूसरे लोग लिए गए हमारा दरवाज़ा, लाइटिंग भी आओ तो दरवाज़ा को हम अपन दरवाजा लगवाई तो जल्दी मिल गए थे सुबहदार और विपुल। थाने गए थे आप? हाँ थाने गए। क्या हुआ वहाँ पे? कुछ नहीं, कौन सुनवाई नहीं। मेरी पत्नी को मारा पीटा, मेरे बड़े बच्चे को मारा लाठी डंडों से, मेरी पत्नी गंभीर चोटें हैं, मेरी पत्नी कैंसर मरीज है, बायां लेफ्ट ब्रेस्ट में इसका ऑपरेट करवा चुका हूँ कानपुर में। अच्छा, हाँ। थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन दिया मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। श्रावस्ती में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के 8वें रूप में महागौरी की पूजा और आरती की गई। नवरात्रि के महाअष्टमी नवमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जनपद के विभिन्न मूर्ति स्थलों पर देवी भक्तों ने मां गौरी की पूजा और आरती की। वहीं माता रानी की महाआरती में सोमवार की रात्रि को भंगहा बाजार में माता के भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महाआरती में थाली प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों और ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि ने प्रथम द्वितीय और तृतीय विजेताओं को नगद पुरस्कार और माता रानी का चित्र देकर सम्मानित किया। खबर रायबरेली से है, जहां भारत जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष ने जनपद में रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में जनसमर्थकों ने उमड़कर कांग्रेस नेता को पुष्पमाला पहनाकर और जगह जगह पर उनका स्वागत भी किया गया। तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पूरा देश महंगाई और भ्रष्टाचार से लिप्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाकर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। चाहे जनता, चाहे वो कोरोना काल हो, लाखों तादाद में लोग बिना इलाज के इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपसी भाईचारे को ख़त्म कर दिया, नोटबंदी करके कोई काला धन नहीं आया। कुल मिलाकर के महंगाई का लेकर के ये देश में सत्ता पे काबिज हुए थे। आज महंगाई का आलम यह है कि महंगाई चरम सीमा को क्रॉस कर चुकी है। खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल में दबंगों ने राजमिस्त्री को इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया है। देर शाम पीड़ित का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया, जिस पर परिजनों ने शव को रोड पर रखकर हंगामा काटा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन देने के बाद परिजन शांत हुए और शव का अंतिम संस्कार कराया गया। सर अब उसमें क्या था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है वहाँ दर्शन करने माता जी के गए थे। अच्छा। जातवाद को लेके कि माता जी को छू दिए, उसके चक्कर में उनको मारते मारते मार के फिर ले आके चारपाई पे यहाँ डाल के फेंक गए उनको। भाजपा के लोनी के कद्दावर नेताओं में से एक पूर्व नगरपालिका चेयरमैन मनोज थामा और उनकी मौजूदा चेयरमैन धर्मपत्नी ने आज आरएलडी ज्वाइन कर ली। इसकी जानकारी आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मीडिया में लोनी विधायक चंदकिशोर गुर्जर और षड्यंत्र के तहत रंजीत धामा और उनके पति पर फर्जी मुकदमे लगाकर राजनीतिक करियर खत्म करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। साथ ही मनोज थामा ने पार्टी संगठन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोनी नगर पालिका मनोज थामा और मौजूद चेयरमैन रंजीता थामा के साथ 10 और सभासद ने भी आज आरएलडी ज्वाइन की है। और राजनीति में जो आगे बढ़ता तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार होते हैं। मनोज को झूठा फंसाया गया, मैं तब भी कह रहा था जब इसे फंसाया गया, मैं आज भी कह रहा हूं। और रंजीता धामा एक लड़ाकू लड़की है और ये हमारे परिवार की लड़की है, चौधरी चरण सिंह की विचारों के परिवार की लड़की है, फिर लौट का ही इनका स्वागत है। और ये इस तरह की बातें कि इन पर क्या आरोप है, इन पर कोई आरोप नहीं है, इन पर एक आरोप है इस पर कि ये लड़ाकू लोग हैं, काम करते हैं अपने लोगों के लिए और लोकदल इनको प्लेटफार्म मिला है और लड़ेंगे। ये मेरा देखिए, जो जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो वो यही चाहता है कि उसका पार्टी में सम्मान हो। हमने भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले हम थे, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ जो कुछ हुआ है उस सबसे आप भली भांति परिचित है, जिससे हमारा मन जो है दर्वित हुआ और हमें जहाँ सम्मान मिलेगा हम लोग वहीं जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल हमारा पुराना घर है, यहाँ हमें पहले भी सम्मान मिला है और ये समझिए कि हम वापस अपने घर लौट कर आ गए हैं। 10 जो नगर पालिका के सभासद हैं उनके साथ में राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया है। मुकेश पाल जी हैं, सतपाल शर्मा जी हैं, अमित तोमर जी हैं, रईस भाई हैं, अनिल जी हैं, मनीष ठाकुर जी हैं, नितिन शर्मा जी हैं, देवेंद्र पाल, प्रेम शंकर दुबे और बिल्लू अलवी। तो ये 10 लोग अभी यहाँ ज्वाइन कराए हैं। हज़ारों की तादाद में जयंत जी का जब कार्यक्रम निश्चित हो जाएगा तो हज़ारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य दलों को छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन करेंगे। राजधानी लखनऊ में खुर्रम नगर के पास पंत नगर में रामलीला का आयोजन किया गया था। कहा जाता है कि पंत नगर की जो रामलीला है, पंत नगर में रामलीला 35 सालों से हो रही है। यहाँ की रामलीला का एक विशेष महत्व है, यहाँ पर रावण का दहन नहीं होता है और इसी को देखते हुए आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शामिल हुए। इस दौरान हमारी संवाददाता ने पूर्व मुख्यमंत्री और रामलीला समिति के अध्यक्ष महासचिव से खास बातचीत की। मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे बात करते हैं कि सर रामलीला के सर क्या विशेष महत्व है। सर डिजिटल की दुनिया में सर लोग ऑनलाइन भी रामलीला सर देख लेते हैं सर राम की कहानी, लेकिन सर जो ये हम लोग नाटकीय रूप में सर रामलीला जो सर प्रेरित करते हैं सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, परंपरागत रामलीलाओं का मंचन ये आध्यात्मिकता भी पैदा करता है, प्यार समन्वय और सौहार्द भी पैदा करता है। एक जो नई पीढ़ी है, खासतौर से युवा पीढ़ी, उसमें मर्यादा की स्थापना की जो प्रेरक प्रसंग होते हैं उन बच्चों में, उन युवाओं में समाहित होते हैं। महिलाओं में श्रद्धा भाव होता है, विभिन्न प्रकार के परिदृश्य उनके पारिवारिक सुख शांति का प्रतीक बनते हैं। इसलिए रामलीलाओं का मंचन मैं समझता हूँ कि रामराज की संकल्पना के साथ एक आध्यात्मिक राज्य की स्थापना, एक ऐसा राज्य जिसमें सत्य की स्थापना हो, उसमें सहायक बनता है। सर, आप कितने सालों से यहाँ पे सर रामलीला की सर देखने आ रहे सर? नहीं, मैं तो 2006 से लगातार इनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संलग्न रहा हूँ। बीच में एक दो साल, तीन साल का गैप रहा है मेरा, लेकिन लगातार मैं देखता हूँ कि इसका स्वरूप पहले कुछ और था, बाद में मंच बना। पहले मंच नहीं था तो मैदान में होता था, कुमायूं की, यहाँ पर पंतनगर की, कल्याणपुर की, महानगर की, पर्वती समाज की रामलीलाओं का एक अलग स्वरूप है। इनके परंपरागत कलाकार जो होते हैं, इनके यहीं के कार्यकर्ता होते हैं, वो प्रोफेशनल कलाकार नहीं होते। और इतनी आध्यात्मिक तरीके से
एक विधि सम्मत तरीके से लोग करते हैं कि वो एक कल्पनीय प्रोग्राम ये होता है। और मैं समझता हूँ कि ये परंपराओं को जीवित रखने का बहुत बड़ा काम ये पंतनगर सांस्कृतिक समिति ने किया। अक्टूबर को सर विजयदशमी, सर उसको लेकर सरकार की सर किस तरह से तैयारी की, सर उसके बारे में कुछ? नहीं, ये पूरा पूरे देश इस समय दशहरा और नवरात्र की पावन त्योहारों में डूबा हुआ है। और निश्चित रूप में जैसे भारतवर्ष में असत्य के प्रतीक लोगों का नाश, आतंकी गतिविधियों का नाश करने के लिए सरकार डटी हुई है, वैसे प्रतीकात्मक रूप में रावण वध का जो दृश्य है, और लखनऊ में तो खासतौर से इस समय तक रात आधी रात के बाद तक कार्यक्रम चल रहे हैं और बड़े लोमहर्षक कार्यक्रम हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि परंपराएं आज भी अक्षुण्ण हैं और ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंत नगर के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत जी, उनसे पूछते हैं कि आखिर रामलीला के क्या महत्व है। सर, रामलीला जो 33 सालों से यहाँ पे सर आयोजन किया जा रहा है, सर उसके बारे में कुछ बताइए, क्या यहाँ का विशेष महत्व है? देखिए, 33 वर्ष हो गए रामलीला को, और वर्ष 1988 में जब ये अविकसित कॉलोनी के रूप में थी पंतनगर का ये क्षेत्र, और रामलीलाओं को इस क्षेत्र के विकास की गाथा का सबसे मुख्य कारण माना जा सकता है। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आते, ऐसे मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर समय समय पर आते रहे, और उनके आने से इस क्षेत्र में सीवर की, रोड की, नालियों की, बिजली की तमाम समस्याएं जो उस समय हम समस्याएं होती हैं अविकसित कॉलोनियों की, वो यहाँ पर भी थी। उन सब समस्याओं का समाधान इस रामलीला एक बहुत बड़ा इसका कारण रहा है, और रामलीला के मंच के माध्यम से वो सब समस्याएं क्षेत्र में, और आज पंतनगर लखनऊ की सबसे विकसित कॉलोनियों में एक है। आप महीने से सर आप तैयारी करने लगते हैं सर इस रामलीला के लिए, और सर जो आपकी मंडली है, सर जो पात्र, सर जो किरदार निभाते हैं, सर वो कहाँ से आप? देखिए, यहाँ पर कोई भी मंडली नहीं है, इसी कॉलोनी के जो पढ़ने वाले कॉलेज और स्कूलों के छात्र हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, अपना अपना व्यवसाय करने वाले लोग हैं, और ऐसी बहुत सारी गृहणियाँ हैं जो इस कार्यक्रम में पात्र के रूप में अभिनीत करती हैं। 2 महीने पहले से हमारे ये पूर्वाभ्यास का कार्यक्रम होता है, और उस पूर्वाभ्यास में हमारे जो प्रशिक्षक मंडल के लोग हैं वो लोगों को ट्रेन करते हैं। सर, आप पंतनगर के जो रामलीला है सर, 35 सालों से सर यहाँ पे रामलीला का सर आयोजन कर रहे हैं, उसके बारे में सर कुछ हमको सर विस्तार में सर बताइए। पंतनगर सांस्कृतिक समिति ये आयोजन 33 वर्ष से अनवरत करती चली आ रही है, और केवल 2 साल जो है कोविड के दौरान यहाँ पर नहीं हुआ, और उसमें हमारे यहाँ ये परंपरा है कि 14 वर्ष लगातार रामलीला होने के बाद लव कुश प्रसंग हम लोग करते हैं। ये धर्मों में भी, पुराणों में भी इस चीज़ को लिखा है कि अगर बराबर रामलीला आप करेंगे तो आपको 14वें वर्ष आपको लव कुश का प्रसंग करना पड़ेगा। हम यहाँ पर 2 वर्ष 14, 14, 28 दो बार हम लोग यहाँ पर लव कुश प्रसंग कर चुके हैं। और बताएं आप, तो सर आप यहाँ के जो जो पात्र हैं, जो सर किरदार निभाते हैं, वो सर आप कहाँ से सर ये पात्र है? हमारे कॉलोनी के सब बच्चे हैं सब, और ख़ास तौर से मातृशक्ति को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें तमाम पत्रकारिता में लोगों रोज़ पेपर में आ रहा है, इंटरव्यू लोग आ रहे थे लेने के लिए, आप भी आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम लोग बच्चों को 1.5 महीने से यहाँ पर रिहर्सल करा रहे हैं, अपने कॉलोनी के बच्चे हैं ये तमाम, और जो हमारी पत्नी का हमारे प्रति क्या दायित्व है, जैसे कि सीता मैया को आपने देखा कि अपना कैसा धर्म उन्होंने निभाया, कैसे जो है वन में कितने 14 वर्ष तक विचरण किया उन्होंने, तो यही संदेश हमारे सभी समाज को जाता है इस सब चीज़ों का। आइए तो और भी लोगों से एक बात कर लेते हैं। सर आप कुछ बता दिए सर कि यहाँ के रामलीला के कुछ विशेष विशेषताएं। हमारी रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का, एक तो लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है और अंगद रावण संवाद होता है, और सूपनखा का जो पंचवटी में आगमन होता है उसका सबसे मनोहर दृश्य जो हम लोगों ने कल देखा है, और 4 तारीख को अंगद रावण संवाद होगा, जो कि यहाँ की लीला की सबसे बड़ी विशेषता है। हम लोग 33 वर्षों से इस रामलीला को अनवरत जारी रखे हुए हैं, और आगे भी जैसे इसमें हम लोग जितना सुधार हो सकता है उतना करते रहते हैं। हमारे साथ कैमरामैन विजय कुमार के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। शाहजहांपुर में नगर के मंदिरों में दुर्गा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। बंगाल में आए पुजारियों ने पूजा करवाया। आपको बता दें कि महानगर के प्राचीन मंदिर OCF फैक्ट्री मंदिर समेत कई मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान बहुत दूर दूर से भक्तगण दुर्गा महोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं।
देवरिया में सीएमओ ऑफिस के बाबू का घूस मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी मिली है कि क्लेम बनवाने के नाम पर सीएमओ ऑफिस के बाबू ने 10,000 रुपए की मांग की थी। खास बात यह है कि रिश्वतखोर बाबू ने चलाकी दिखाते हुए अपने ऊपर के अधिकारी का नाम लेते हुए पैसों की मांग की। खबर लखीमपुर से है, जहां गोला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को चलते जिलाधिकारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराना हमारी प्राथमिकता है। बूथ कैप्चरिंग से बचाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं इस वार्ता में एसपी, डी, सीडीओ समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। माननीय आयोग के निर्देशक्रम में 3 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जनपद में सभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमने सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं, जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो सब की जा रही हैं। 3 नवंबर को सकुशल शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो, इसके लिए सभी तैयारियां हम करेंगे। 6 नवंबर को काउंटिंग होगी, उसकी भी तैयारियां हम कर रहे हैं, और निष्पक्ष चुनाव करवाना हमारी प्रशासन की प्राथमिकता है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। देखिए, उपचुनाव गोला में संपन्न होने जा रहा है। यहाँ पे चुनाव की जो सुरक्षा है पूर्णतया हम लोग कटिबद्ध सुरक्षा देने के लिए, इसमें जो भी विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी उससे बढ़कर ही व्यवस्थाएं की जाएंगी। सभी बूथ पे सीएपीएफ और जो भी बल लगता आया है, जितना विधानसभा में लगा था उससे हम ज़्यादा बढ़ा के ही लगाएंगे, उससे कम नहीं होगा। और इसके अलावा जो भी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं पूरे ज़िले में, बॉर्डर सीलिंग, सभी चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों द्वारा की जाएगी, और बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल सुरक्षा के माहौल में इस चुनाव को सम्पन्न करवाया जाएगा। कानपुर जिले के अलावा कई जिलों से हादसों की तस्वीरें सामने आई। अब से कोई भी सड़क पर सामान ढोने वाले वाहनों में सफर नहीं करेगा। वहीं औरैया जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट पर दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और आरटीओ विभाग के महिला अधिकारी ने नवरात्रि के नवमी के दिन मंदिरों में दूर दराज से आ रहे ट्रैक्टर और लोडर की सवारी कर रहे सभी चालकों को आदेशों का पालन करना होगा। बहुत से लोगों को हम लोगों ने गाड़ियों से उतरवाया है, और जहाँ पर श्रद्धालु मंदिर जा रहे थे उन श्रद्धालुओं को हम लोगों ने उतार कर मंदिर दूसरी गाड़ियों से पहुँचवाया है, और उनको उनके गंतव्य तक भी वापसी भी उन्हीं गाड़ियों से करवाई है। और जो ट्रैक्टर थे उनको देवकली चौकी पर निरुद्ध किया है, और अन्य वाहन जो इस तरह से सवारी और लेके लोडर या पिकअप उस तरह से चल रहे थे उनको भी सीज किया गया है। और इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी, और हम सभी से अपील करेंगे औरैया वासियों से कि वो अपने ट्रैक्टर्स पे इस तरह से लोगों को बिठा के ना चलें, क्योंकि दुर्घटना समय हो सकती है, तो अपने को सावधानी से और सेफ रखते चलते। गाजियाबाद के उदल नगर इलाके में रहने वाले युवक की 5 महीने की बच्ची ने खेलते समय बालों में लगाने वाला क्लचर निगल लिया। बच्ची की मां ने जब बच्ची को रोता देखा तो वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बच्ची को हो क्या गया। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद बच्चे के गले में कुछ फंस गया है, जिसके बाद उन्होंने फौरन बच्चे को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि वो बच्ची के गले में कुछ फंसे होने की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बेटी जो है शाम के टाइम ऐसी कोई 6:30 का टाइम था तो ये खेल रही थी, खेलते खेलते इसके मुंह में क्लेचर फंस गया, बालों में लगाता है, हाँ क्लेचर तो फंस गया। फंसने के बाद जो हम यहाँ डॉक्टर के लेके यहाँ मना कर दिया, फिर हम एक जगह डॉक्टर के पास वो ले गए, उन्होंने कहा डॉक्टर संजय सैनी के पास ले जाइए कि उन्हें दिखाइए, उनके पास ले गए। उन्होंने कई डॉक्टर के पास फ़ोन किया, जो ऑपरेशन होता है इसका बेहोशी के लिए, कई डॉक्टर मना कर दिया। क्या कहा? कहा कि हमारे पास मतलब 5 साल के बच्चों में बेहोश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारी इतनी सहायता करी उन्होंने कि अपने मतलब रिस्क पर ही बच्ची को, बच्चे गले में से जो एक बड़ा ऑपरेशन था उसको नॉर्मल तरीके से बच्ची का गले में से क्लेचर निकाला। तो बोला बच्चे को, भाई इस पर छोटा बच्चा है, बेहोशी देने को कोई तैयार नहीं है, आप इसको दिल्ली ले जाओ। तो माँ बाप रोने लगे, अच्छा बच्चा डिस्ट्रेस में था, बच्चे के सामने थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, ट्राई कर रहा था। मैंने कहा जी जो भी करना है आप करो इसको। मैंने बोला भाई इसमें रिस्क है, बिना बेहोशी के कराने में रिस्क होता है, कई बार हम निकालते हैं तो बच्चे को स्पार्क में जाता है तो उसको निकालने में दिक्कत होती है। लेकिन माँ बाप ने बड़े इसके जो ताऊ जी थे शायद वो बड़े कॉम्पिटेंट थे, उन्होंने कहा अच्छा निकालो इसे, उससे बढ़िया क्या पता बच्चा दिल्ली तक पहुँचे ही ना, उससे बढ़िया जो भी करना है यहाँ करो। फिर हमने इसको जो है देख के एग्जामिन किया, उसको बच्चा क्राई था,
थोड़ा उसको ऑक्सीजन दे के जब उसने देखा तो वो हमें खुशी भी दिखाई दे गई। हमें भी हाँ बेहोश करके उसको एक बार एग्जाम करने की कोशिश की तो दिखाई दे गई। बाई चांस था कि हमने उसको पकड़ के जब उसको पकड़ा और सबसे इतना मैसा में था वो बाहर आ गया। साथ ये हुआ था उसके मुँह में गजेल फंस गया था। डॉक्टर को लेके गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर हम डॉक्टर के लिए बोला उन्होंने कि वहाँ ले जाओ। फिर डॉक्टर साहब कह लगे उनके दिल्ली के लिए ले जाइए आप। हमने दिल्ली के लिए उन्होंने बेचारों ने अपने आप ही कर दिया 10-5 मिनट के बाद ही उन्होंने कर दिया। सोमवार की शाम को मैं अपने मेरा बेटा है 2.5 साल का, वो रो रहा था तो मैं वहाँ उसको दूध के लिए दूध देने गई थी किचन में। इतने में ही वो उसके पास आया, उसने कहा मम्मा इसे देखो क्या हुआ है, रो रही है। इतने में मैंने इसे देखा तो उसके मुँह में क्लेचर फंसा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की हाथ से निकालने की पर वो नहीं निकला। हम सारे डॉक्टरों के पास गए पर हमें डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बाहर ले जाइए। हाँ हमें दिल्ली के लिए रेफर बोल दिया था, रेफर करा था कि दिल्ली में ले जाइए। पर लेकिन फिर डॉक्टर सैनी है, उन्होंने बोला कि अब मैं रिस्क ले रहा हूँ अपने ऊपर, अगर ये बच जाए तो। खबर गाजियाबाद से है जहां आर्मी रिटायर्ड सूबेदार से अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने रिटायर्ड फौजी को गोली मार कर घायल कर दिया। वहीं अभी तक पुलिस ने इस मामले में ना तो मुकदमा दर्ज किया है ना ही अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। 5:30 करीब यहाँ से निकला, 5:20 पर करीब निकला हूँ मैं यहाँ से अपने प्लांट में। अपनी फर्स्ट शिफ्ट में मेरी ड्यूटी थी जी, मुझे 6 बजे ड्यूटी पकड़नी थी। 5:20 पे यहाँ से चला, तकरीबन 10 मिनट का रास्ता होता है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, मेरा प्लांट में जाने के जी। पैदल अपना रोड के किनारे किनारे जा रहा था, इधर ये अपना ऑक्सीहोम और कोयले गेट के बीच में जी, वहाँ पर सुनसान जगह पर पीछे से आए तीन, एक बाइक में तीन लड़के थे, ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं, तो 20-25 साल के थे। वो आए और उनने सीधे से मोटरसाइकिल रोकी और झपटा मारना शुरू किया मेरे पास आगे पीछे से। बोला क्या है जल्दी निकाल, एक दोनों के पास तमंचे थे जी। एक ने पेट पर रखा ऐसे और एक हाथ से सर्च कर रहा था मेरे को, एक ने यहाँ कटपट्टी में रखे वो भी एक हाथ से वो भी सर्च कर रहा। बोला जल्दी दे गाली गलौज की भाषा में कुछ इस टाइप से बोल रहे थे लोग। खबर प्रयागराज से है जहां दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर श्रद्धालु में उत्साह का माहौल है, तो वहीं पूजा के लिए बनाए गए पंडाल भी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर की आकृति वाले पंडाल में मां को विराज बड़े ही धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही पूरे पंडाल का कोलकाता के कारीगरों की देखरेख में किया गया है। बुलंदशहर में अपहरण के बाद दो भाइयों के सर कलम कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद संबल की सीमा में दोनों भाइयों के धड़ मिले। वहीं हत्या के बाद शवों को संबल के इलाके में फेंक दिया गया। बता दें कि अवैध संबंधों के चलते की गई दोनों चचेरे भाइयों की इस निर्मम हत्याकांड में पुलिस का एक जवान भी शामिल है। तो वहीं बुलंदशहर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला थाना सलेमपुर इलाके के गाँव का है। खबर प्रयागराज से है जहां शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी का दरबार अब पूरी तरह से हाईटेक कर दिया गया। बता दें कि वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पूजा अर्चना और प्रसाद की सुविधा भी भक्तों को आसानी से मिल सकेगी। साथ ही मंदिर के पुजारी ने बताया कि ऐसे भक्त जो मंदिर नहीं आ सकते उन्हें ऑनलाइन पूजा और कोरियर के जरिए प्रसाद का भी वितरण किया जा सकेगा। प्रयाग तो हमेशा से ही आध्यात्मिक स्वरूप में अपने इनका एक विशेष स्थान प्रयागराज में है प्रयागराज का। इसी के साथ प्रयागराज में शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी का होना एक अपने आप में गौरव की बात है। जहां भगवान शिव की स्त्री सती की उंगलियां कट के गिरी हैं, इसी क्रम में 51 शक्तिपीठों में से एक आती हैं ललिता पीठ, जो कि प्रयाग में एक कल्याणी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर आदिकाल से लोगों का कल्याण होता आ रहा है, इसीलिए इनको कल्याणी देवी के नाम से भक्त पुकारते हैं। तो ये माँ कल्याणी सभी भक्तों का विशेष कल्याण करती हैं और ख़ास तौर पर नवरात्र के 9 दिन जो भी भक्तगण माँ की आराधना पूजन अनुष्ठान जप आदि करते हैं तो उस पर माँ अपनी भगवती 9 रूप में 9 दिन विशेष रूप से अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं। बहुत छोटी उम्र से, बहुत बचपन से हम लोग कल्याणी मंदिर में आ रहे हैं और एक ये माँ का ऐसा स्थान है, सिद्धपीठ है,
जो अपने इच्छा पूर्ति के लिए लोग दर्शन करने आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम तो बहुत छोटेपन से यहाँ आ रहे हैं और ये हमारे सुशील भैया हैं और दिलीप भैया हैं, ये सब बचपन से हम लोग आ रहे हैं। बड़ा सानिध्य मिलता है आप सबका और माँ कल्याणी सबका आशीर्वाद। खबर नोएडा से है जहां नोएडा पुलिस ने लूट के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे मुठभेड़ में घायल कर दिया। बता दें कि आरोपी ने कलेक्शन एजेंट से 6 लाख रुपए के अधिक लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। महागुण मजारिया सोसाइटी के पास एक बड़ी लूट की गई थी 6,88,000 रुपए की। एक कलेक्शन एजेंट से कुछ बदमाशों द्वारा टक्कर मार के ये पैसे लूट लिए गए थे। पुलिस टीम इस पर काम कर रही थी और 16 मई को इस टीम के 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिनमें मेहरुद्दीन उर्फ गबरू और मुकुल शर्मा, इन्हें गोली भी लगी थी। 3 व्यक्ति और गिरफ्तार हुए थे और इनके पास से 3,45,000 रुपये रिकवर किए गए थे। पूछताछ से जानकारी मिली थी कि इसका मास्टर माइंड जो फरार चल रहा था, जतिन उर्फ चीता, जो त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है, ये फरार है और अंडरग्राउंड हो गया था। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे फिजिकल सर्विलांस पे और टेक्निकल सर्विलांस पे था। ये जानकारी मिली कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, बड़ी लूट करने वाले हैं और इसी सिलसिले में ये यहाँ पे आज आ रहा था। हो सकता है ये पहचानने के लिए आ रहा हो आदमी को या जगह देखने के लिए आ रहा हो। और इस सूचना पे हमारी टीम लगी हुई थी, जब इसे देखा गया। लखनऊ के फैजुल्लागंज में रंगदारी मांगने वाले फर्जी भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल राजेश खन्ना खुद को भाजपा नेता बताकर सरकारी विभागों में तैनात अफसरों और व्यापारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग करता था। यही नहीं, आरोप लगा है कि राजेश खन्ना अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर भ्रांतियां फैला रहा था। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना अपने आप को भाजपा नेता बताकर विभाग और उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में जाकर अपनी चहेती कंपनी को ऑर्डर दिए जाने का दबाव डाल रहा था। बाद में राजेश खन्ना के फर्जीवाड़ा करने के बारे में पता चला, जिसके बाद भाजपा नेता की जानकारी उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यालय से की गई तो यह बात प्रकाश में आई कि इस नाम का कोई भी नेता भाजपा कार्यालय में है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।